हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन, और मैं हूँ रेखा। आज जो पहले हम करते थे आज वो फिर करने जा रहे हैं, यानी कि संडे को आप लोगों के जो क्वेश्चन रहते थे उसका आंसर हम देते थे, और आज कुछ नया उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि आज के जो कमेंट जिसका हम आंसर देने वाले हैं वो पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने शो करेंगे, उनका नाम लेंगे, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे, फिर उसका जो भी आंसर होगा वो आप लोगों को हम बताएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और आप लोग अगर चाहेंगी तो ये जो तरीका है ये हम हर संडे को लेकर आपके क्वेश्चन जितने होंगे उनका आंसर देने के लिए आएंगे। अब कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैं आरती गुप्ता जी, जिनका आप देख सकती हैं कमेंट साइड में, जिन्होंने मेरी फ़ोटो लगाई हुई है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेरी फ़ोटो लगाई हुई है इसलिए मैं इनको शो कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये मेरी सभी वीडियो को जो है बहुत ध्यान से देख रही है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 10 या 15 दिन से इन्होंने मेरी सभी वीडियो को डेली देखती हैं, और अभी तक ये लगभग सभी वीडियो को देख डाली होंगी। तो मैं उनका ये पहले सबसे पहले शो कर रही हूँ, आगे हो सकता है कि इनके कुछ क्वेश्चन भी आए, पर आज आप साइड में देख सकते हैं कि इनके सभी जो जितने भी हैं यहाँ पे कमेंट की हुई है सब शो कर रहे हैं, और आप देख सकती हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आप लोग इसी तरीके से सीखिए, कमेंट करती हैं तो मुझे खुशी होती है इस चीज़ की कि आप लोग मेरी वीडियो के साथ मेरा भी ध्यान देती हैं, कि जो है दीदी के लिए भी कुछ हो जाए। और चलिए इनका जो तो अभी जो है वो आशा सैनी हैं दी, मेरे इस चैनल के वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ये हमारी स्टूडेंट हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं, ये भी जो है कमेंट करती हैं हर वीडियो में। तो आप एक बार मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, फिर सब्सक्राइब करिए, जितने लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है सब लोग यही करें। उसके बाद जो है इसके बाद है संजीव शर्मा, जो कि हमारी ये कोई लड़की स्टूडेंट हैं, तो इनका सवाल जो है, ये भी मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, इनका सवाल है रीका वैक्स बॉक्स का प्राइस क्या है। तो लगभग 950 रुपये, आप 1000 मान लीजिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो आप 1000 के अंदर मान के चलिए, ये वैक्स की प्राइस है। इसके ऑयल आफ्टर बिफोर जो प्रोडक्ट है वो भी लगभग 1000 के हैं। इसके बाद है फिर आराध्या ब्यूटी स्पोर्ट, हेलो मैम, मैं आपकी सभी वीडियो देखते हुए आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी वीडियो बहुत यूजफुल होती है, थैंक यू, आपका वेलकम। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देखती हैं, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप ये बोलती हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, आपकी सभी वीडियो देखते हैं, इसलिए आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए, शायद इनका भी चैनल हो, मुझे ऐसा लगता है, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं एक बार चेक करूँगी, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग चेक करिए। अगला सवाल है आरती गुप्ता जी का, जो कि पहले ही आप लोगों ने देखा कि ये स्पेशल इनका कमेंट इसलिए होता है कि यहाँ पे मेरी इन्होंने पिक लगाई हुई है, तो इससे अलग ही दिखता है, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि मतलब मेरे पास वो फ़ोटोज़ नहीं है जो आप लोगों के पास है, क्योंकि मुझे डिलीट करनी पड़ती है अपनी फ़ोटो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुल होने के बाद मोबाइल मैं और कोई वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इनका जो सवाल है वो ये है कि मैम बॉडी पॉलिशिंग क्या होता है, कैसे होती है, बताइए। तो जल्दी ही मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी, ठीक है। ये सवाल है ललिता जी का, ललिता पटेल, मैम अगर वैक्स ज़्यादा गर्म हो तो कितना टाइम तक यूज ठंडा होने दें प्लीज़ रिप्लाई। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कितने टाइम तक, कोई टाइम का नहीं है, आपको उसको चेक करना है, ठीक है, इसके पर वीडियो बनी हुई। अगला जो सवाल है वो है पूनम कौर का, मुझसे लिफ्ट आईब्रो बनाने की परेशानी होती है, प्लीज़ आप अच्छी तरह से बताएं, आप अपने फेस और हैंड को अच्छी तरह से समझाया, आप बहुत अच्छी तरह से लिफ्ट आईब्रो बना रही हैं, मुझे से नहीं बनती। तो देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं कि दोनों हाथों से आईब्रो कैसे बनाएं, इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो उसको चेक करें, उसके बाद नहीं समझ में आता है तो मैं उसको देखूंगी कि मैं और क्या कुछ बता सकती हूँ, ओके। अगला जो सवाल है वो रूपा सिंह का है, जो कि बहुत प्यारी स्टूडेंट है, सभी वीडियो को वॉच करती हैं, जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो
हमेशा ये 100% श्योर रहता है कि सबसे पहले शायद रूपा ही देखेंगे, और ऐसा होता भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने ध्यान से, इतने मन से देखते हो, और उसके बाद इतने अच्छे कमेंट करते हो कि दिल खुश हो जाता है। और फिर एक नई वीडियो आप लोगों की जो भी सवाल होते हैं उसके ऊपर बनाने का, मैं आपकी ये वीडियो बहुत बार देखी हूँ, तो उनके कुछ ये सवाल हैं, तो चलिए अच्छे से पढ़। तो यहाँ पे रूपा जो एक कमेंट की हुई है वो ये है कि मैम, मैं आपकी ये वीडियो, ये फेशियल की वीडियो थी, बहुत बार देखा और अब मुझे फेशियल मसाज अच्छे से आ गया है और स्टेप्स का नाम भी पता चल गया है। तो इनके इस वीडियो से आप ये समझ सकती हैं कि जब इन्हें आ सकता है मेरी वीडियो से, तो मेरी बहुत सारे स्टूडेंट को भी फेशियल स्टेप्स बहुत अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद यही करते हैं। अगर जिन लोगों की भी आ गया वो यस ज़रूर लिखें। अगला जो सवाल है वो इंदु का है। इन्होंने कहा है, थैंक्स मैम हमें क्रीम के बारे में बताने के लिए। तो आप लोगों का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है इतने अच्छे से देखते हो वीडियो को, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि कमेंट करना चाहिए, थैंक्स बोलते हो आप लोग, तो इसके लिए आप सभी लोगों का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला जो सवाल है ये है दीपाली। नाइस मैम, फ्रीलांसिंग में प्राइज किसे ले, कैसे, किससे, कैसे, कितना ले सकते हैं, शायद इनका ये है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको मार्केट में थोड़ा सा एक बार चार्ज के बारे में पता करना है कि क्या चार्ज चल रहा है, उससे थोड़ा बहुत आप कम लो, क्योंकि जब आपकी मार्केट ना बनी हो फिर आप जिस हिसाब से काम करते हो उस हिसाब से जो मार्केट में चार्ज है वो ले सकते हो, क्योंकि आप घर पर सर्विस देने जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद जो सवाल है वो है गुड्डी सहानी। दीदी क्या हम मॉइस्चराइज़र की जगह पे फेयर लवली लगा सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि फेयर लवली थोड़ी सी ड्राई होती है, वो मॉइस्चराइज़ बिल्कुल भी नहीं करती है। अगर विंटर वाली है तब आप लगा सकती हैं। अगला जो सवाल है वो ज्योति का है। फेस पर पिंपल्स के निशान और गड्ढों को हटाने के लिए कुछ बताइए। तो अगर आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे कि आप हमेशा जो है टमाटर का जूस और हल्दी उसमें थोड़ा सा मिक्स करके उसको पेस्ट बना के फेस पे लगाइए, बहुत तेज़ी से आपके गड्ढों को और पिंपल्स को ख़त्म करता है, ओके। अगला जो सवाल है, मैं अंजलि हैं। अंजलि मैम, आई शेडो पैलेट किसी रेंज की ले प्लीज़ टेल मी। तो आप अगर रेंज की बात कर रही हैं, रेवोल्यूशन की जो पैलेट है वो आपके बजट में है तो वो आप लीजिए, बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। या तो स्विस ब्यूटी की या तो फिर रेवोल्यूशन की ले सकती हैं, ये दोनों ही बहुत अच्छी हैं। और अगला जो सवाल है वो प्रीति देव, आप कहाँ से हो, प्लीज सेंड और कॉन्टेक्ट नंबर। तो हमने अब कॉन्टेक्ट नंबर बहुत सारी वीडियोस में दी हुई है, 7897233810, और मैं प्रयागराज से हूँ, यूपी के प्रयागराज से। तो सबसे लास्ट जो है कमेंट वो ये है विद्या का है, जो मेरी जैसे विद्या हो गई, रूपा हो गई, इंदु हो गई और आरती हो गई, ये सभी मेरी वो स्टूडेंट हैं जो मेरी एक तरह से बोलते नहीं कि मेरी सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ मेरी स्टूडेंट हैं शायद वीडियो देखती हैं लेकिन कमेंट करना भूल जाती होंगी, लेकिन ये जो मेरी स्टूडेंट हैं इनके नाम मुझे याद हैं। कहते हैं नहीं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो एक तरीके से इन्होंने अपना जो बहुत अच्छे से वीडियो को देखा, हमें मोटिवेट किया, इन्हें नहीं पता था कि शायद उन दी को पता हो या मैम को पता हो कि उन्हें मेरा नाम याद है, पर आप लोगों को सच में बता रही हूँ कि आप लोग जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ सबसे पहले आप लोग देखते हो, कमेंट करते हो, और आप लोगों के नाम मुझे याद हैं, आप लोगों के पहले वर्ड से मैं पहचान लेती हूँ कि आप लोगों के ये कमेंट हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिनका इसमें कमेंट में हमने नाम लिया, जिनके क्वेश्चन लिए, जिनका नहीं भी लिया तो आई एम सॉरी कि जिनका नहीं आ पाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो शायद वो बोरिंग हो जाती, पर अगले आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, अगले संडे को कोशिश करूँगी कि सब लोगों का लेके आऊँ। पर विद्या का जो सवाल है वो यह है, मैम मेकअप कोर्स में बेसिक से स्टार्ट करें, तो बेसिक से स्टार्ट करें प्लीज, कौन सा प्रोडक्ट किसे अप्लाई करें और कितने टाइप
मेकअप प्रोडक्ट के प्लीज, तो इनका ये मतलब है कि कितने टाइप के बेसिक से स्टार्ट करके और कौन सी स्किन पर कौन सी स्किन टाइप का और कौन सी स्किन टाइप के कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो सब कुछ इनका इसमें है। तो मैं समझ रही हूँ और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अपने मेकअप कोर्स वाले चैनल पर इसी तरीके से वीडियो लेके आऊँ जैसा आप चाह रही हैं। तो बस आप लोग प्रे करिए कि जल्दी वो चीज़ हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।